24 लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का, ओनली एफ आर वन का। होमवर्क में आपको दिया था ये क्वेश्चन हुसैन एसोसिएट वाला, कितने बच्चों ने किया? ओके, पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि इन्होंने इंट्रो का पेपर दिया था किसी ना किसी दर्जे में, ज़्यादातर नहीं, या पढ़ा ज़रूर था, उन्हें अंदाज़ा है कि आई कैफ का लेवल क्या है। जो पैरा ट्रूपर्स है ना, वो पढ़ ही नहीं रहे, वो लग रहा है शुगली है, ए एफ सी का लॉलीपॉप लेके आए हैं। एनी वेज, द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ हुसैन एसोसिएट्स, प्लीज भाई प्लीज बस कर दें आप। असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ हुसैन एसोसिएट लिमिटेड ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड द मैटर बिलो विच शी बिलीव्स मे इंडिकेट इंपेयरमेंट ऑफ वन और मोर एसेट्स। हुसैन एसोसिएट की जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, उसने कुछ मैटर्स को आइडेंटिफाई किया है जो शायद इंडिकेटर्स लग रहे हैं उसको। आपने भी, आप तो आप भी कर सकते हैं आइडेंटिफाई मैटर्स, कल हमने देख लिया था। इंडिकेटर्स कौन कौन से थे इंपेयरमेंट के? तरतीब से चलते हैं, ठहरो ठहर मेरे चांद ठहर जाओ, सारे तरतीब से मेरी बात एक बार सुन लो। एसेट की फेयर वैल्यू कम हो जाए, या कॉस्ट टू सेल बढ़ जाए, या टेक्नोलॉजी लॉ मार्केट ऐसे बदले कि हमारे बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट आए, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। ये तीन बातें थी ना। पहली बात, एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ जाए। भाई मेरी बात सुन लो अब एक बार ध्यान से, कोई कोने वाला उठ के ना खड़ा हो, सारे बच्चे आगे आगे हो जाएं प्लीज। ये कोने को खाली कर दें, सारे बच्चे कोनों को खाली कर दें, आगे आगे हो जाएं सारे प्लीज। एक बार कह रहा हूं, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, जिसने ऐसा किया मैं क्लास से बाहर निकालूंगा उसको। जल्दी कर लें भाई, जरा पॉज करें यहां। फिर जी, मैं याद कर रहा था कि इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, फेयर वैल्यू कम हो जाए या कॉस्ट टू सेल बढ़ जाए। ये लिखा नहीं हुआ था, मैंने कहा था लिख लो, फेयर वैल्यू बढ़ जाए, कॉस्ट टू सेल कम हो जाए। फिर उलट गया क्यों? फेयर वैल्यू कम हो जाए, कॉस्ट टू सेल बढ़ जाए, फिर टेक्नोलॉजी या लॉ या मार्केट ऐसे बदले कि वो बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट कर दे, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। फिर एसेट डैमेज हो जाए, या एसेट की परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड हो, या यूजफुल लाइफ कम हो जाए, या हम ही डिसकंटिन्यू करने का सोच रहे हों उस बिजनेस को जिसमें वो एसेट यूज हो रहा है। तो ये को 5-6 इंडिकेटर्स थे। अगर ये आपको नजर आ जाएं तो आपको शक पड़ जाता है कि आपका एसेट कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया, तो आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हो। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इस फाइनेंशियल कंट्रोलर की नजर में कौन सा इंडिकेटर आया है। लेक्चर नंबर तो पहले लिखा हुआ आ गया था ना। अच्छा जी, हुसैन एसोसिएट लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स एन आइटम ऑफ प्लांट दैट कॉस्ट 640 एंड हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 400 एट 1 अक्टूबर 2015। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं भाई, किसी को मैसेज कर देते हैं आमिर भाई ये। अच्छा जी, आप फिलहाल चुप करके बैठे हैं, सुने आवाज आ रही है, काफी है। हाँ भाई, कॉस्ट कितनी थी? 640। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2015 तक ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 400। तो बुक वैल्यू इस दिन कितनी होगी? 1 अक्टूबर 2015 पे बुक वैल्यू कितनी होगी? 240 रुपए। फिर वो कह रहे हैं इट इज बींग डेप्रिशिएटेड एट 12.5% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, ऑन 1st April 2016, 1 अक्टूबर 2015 से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, छह महीने के एंड पे या सातवें महीने के पहले दिन, एग्जैक्ट दरमियान में, ऑन 1st April 2016 एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर, द प्लांट वॉज डैमेज वेन अ फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड इन टू इट। ट्रक आगे किसी ने मारा, प्लांट में डैमेज हो गया। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द प्लांट बट इट स्टिल ऑपरेट्स Albeit at a reduced capacity। हाँ भाई, गड़बड़ हो गई, एक तो डैमेज भी हुआ और डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो गया ना, अब रिपेयर नहीं कर सकते हम उसको, वो पार्ट ही नहीं मिल रहे। चलेगा तो सही, लेकिन अब कैपेसिटी कम पे चलेगा, तो भाई शक पड़ गया इंपेयरमेंट हो सकती है। अच्छा, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम डेट ऑफ डैमेज विल बी ओनली 2 years। अच्छा, जरा 12.5 जो लिखा हुआ है, 12.5 इसके ईयर्स तो निकालो जरा, 8 साल बनते हैं। अच्छा, पता नहीं फिर कब से आ रहा था। अच्छा, 6,40,000 पे जरा 12.5% लगाओ, ये डिवाइड बाय 8 करो, पता तो लगे। 640 पे 12.5%
640 कॉस्ट है इंटू 12.5% 80 आता है। अच्छा, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी? डेप्रिसिएशन ऑफ वन ईयर इंटू लाइफ पास्ट टिल ये वैसे ही मैं कर रहा हूँ, अच्छा कोई जरूरत नहीं थी, यकम कुछ बातें ऐसी करने, यकम अक्टूबर 15। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम अक्टूबर 15 पर कितनी नजर आ रही है? 400। एक साल की डेप्रिसिएशन है 80, तो लाइफ कितनी है ये नहीं पता। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 80 को उधर डिवाइड कर रहे हैं तो लाइफ कितनी पास हो गई? लाइफ ये वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वैसे लाइफ पास भी कितनी ऑलरेडी 5 साल, और ओरिजिनल लाइफ थी कितनी? 8 साल। ये 8 साल कैसे निकाले आपने? 1/12.5%। ठीक है जी, कितने आ गए? ठीक है ना, ये आपने ऐसे कहा था कि जी 8 साल ये लाइफ है, रेट से पता चला, और यहां से मैंने पता लगाया 5 गुजर चुके हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी सवाल के अंदर, ये वैसे ही किया मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि जिस दिन ये यकम अक्टूबर 15 जिस दिन जिस साल में ये एसेट हमारा डैमेज हुआ है, हमारा साल असल में यकम अक्टूबर से 30 सितंबर, यानी हमारा साल ये जो है यकम अक्टूबर 15 से शुरू होके 30 सितंबर 16 पे खत्म होना है, तो हमारा ये जो साल है इसके एन दरमियान में ये एसिड डैमेज हो रहा है, लेकिन हमारे इस साल के शुरू पे खड़े होकर यहां खड़े होकर इस एसिड की रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 3 साल। ठीक है, अगर ये ना हुआ होता जो हुआ है, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ और कह रहे हैं जी आइटम नहीं मिल रहा, उसका रिप्लेस नहीं कर सकते हम, तो स्टिल ऑपरेट करेगा लेकिन कम कैपेसिटी पे, और इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज विल बी ओनली, सही है, 2.5 भी नहीं, 0.5 भी नहीं, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, वो बाद में करता हूं बात, ये समझ आ गई बात? डैमेज हो गया और लाइफ भी कम हो गई है, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट तो लगानी है, लेकिन इंपेयरमेंट हमने लगानी है 31 अप्रैल 16 पे। ठीक है, लेकिन भाई पहले 1 अप्रैल 16 पे लेके तो आओ। अब आपका दिल पता है क्या कर रहा है? आपका दिल ये कर रहा है कि आप उसी किधर की कॉस्ट उसी 640 को ले आओ, ले आ भी सकते थे, ठीक है, लाकर आप चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है वैसे है। ये चेंज इन एस्टीमेट है, मैं सोल्यूशन किया था ना शेयर यार सामने आप लोगों के, कौन सा लेक्चर नंबर है लो नहीं कर रहा, कौन सा सवाल था और ये कौन सी बोलिए इस तो फुल लो इंट्रो वालों का, इंट्रो प्लस आरवान वालों का, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दिए बगैर है ना जी। मैंने अगली अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मैं वहीं पे शुरू हो गया इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के ऊपर चढ़ पड़ा, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, वर्किंग 640 में से सिर्फ वर्किंग की तरफ आया, आगे नहीं बाकी वर्किंग देखने फिलहाल अभी देखो, ए बुक वैल्यू थी, अब डेप्रिसिएशन 30/9/16 तक कितनी बनती है? ये क्या बात है, 6 महीने करना था, गलती हो गई? नहीं गलती हुई, गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई, एस्टीमेट में चेंज आया, साल के शुरू पे अज्यूम कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं ईयर एंड पे जाके, लेक्चर नंबर पता नहीं कहाँ गया, ये कहाँ गया, नहीं ये, ठीक है। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट हमने लगाना है ईयर एंड पे जाके, और दरमियान में करके एस्टीमेट में आ गया चेंज, तो हम क्या करेंगे? बताया हुआ आपको, चाहे साल के आखिरी दिन भी हो जाए हम उसको साल के पहले दिन पे ले जाते हैं, ठीक है। तो साल के पहले दिन पे एस्टीमेट चेंज को अज्यूम किया, ठीक है जी। अब एस्टीमेट चेंज किया नहीं किया, ये आईकेप का सोल्यूशन रखा हुआ, ठीक है, एस्टीमेट चेंज किया या नहीं किया, कहां किया? वही 12.5%। अब चलते हैं आईकेप की कमेंट्री की तरफ, ये आईकेप ने कमेंट्री की हुई थी जी, द एक्सीडेंट दैट मे हैव कॉज्ड इंपेयरमेंट अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 16 एंड एन इंपेयरमेंट टेस्ट वुड बी डन एट दिस डेट, एन इंपेयरमेंट टेस्ट रिक्वायर्स प्लांट्स कैरिंग अमाउंट टू बी कंपेयर्ड विद इट्स रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट प्लांट इज हायर ऑफ 150 ब्ला ब्ला ब्ला। आयो कहता है एक ऑफर भी आई हुई है, लेकिन हमने वो ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आपका डेफिनेट एक्सपेंस कितना निकला? 80। कैसे आया 80 भाई? ये तो फिर उसी हिसाब से आ रहा है, हमने 640 पे 12.5% लगाया तो 80 आ गया, अब चेंज इन एस्टीमेट तो नहीं कर रहे हैं, तो मसला क्या है? मतलब ये हुआ कि इसको हम एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग में नहीं डाल रहे, बात समझिए, ठीक है। हमने इसको सिंपल क्या किया कि जी
इम्पेयरमेंट हो रही है, ईयर एंड पे जाएंगे और फिर उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। अगले साल जब हम इसकी डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे तो फिर चेंज एस्टिमेट के हिसाब से कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था भाई ईयर एंड पे आके कुछ ऐसा एक दम से, मेरे अल्फाज याद करना, मैंने जब आपको ये जुमला लिखवाया था ना कि हम चेंज इन एस्टिमेट को साल के पहले दिन से रिज्यूम कर लेते हैं, क्यों? ये कोई ऐसा काम नहीं होता कि बैठे बिठाए एकदम से लाइफ बदल गई, एकदम से जज्बात बदल गए, याद आ रही मेरी बातें ऐसे, ठीक है, एकदम से रिवैल्यूएशन वैल्यू बदल गई, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हम चेंज इन एस्टिमेट को साल के पहले दिन से अज्यूम करते हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन ये तो एकदम से जज्बात बदले हैं, ये तो एकदम से ही वक्त बदला है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है भाई, ठीक है ना। तो फिर इसको हम चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग में लेकर नहीं जाते, ठीक है, हम इसको सिंपल इंपेयरमेंट टेस्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसको लेके आएंगे 30 जून, ये जो भी था 30 सितंबर पे, फिर उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार के इंपेयरमेंट गेन लॉस निकाल लेंगे। अगले साल जाकर फिर हम चेंज वैल्यू के साथ, चेंज लाइफ के साथ डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। बहरहाल सॉल्यूशन है, एक ट्राई और करेंगे आप, ये अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, ठीक है, बच्चों को पूरा करने के लिए मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की इसकी। जी बोलो बोलो, देखना पड़ेगा आप कमेंट्री दोबारा पढ़ना, आई के अपने ऐसा क्यों किया है, लॉजिक तो कोई ना कोई देनी पड़ेगी, बाकी हम अपना सोल्यूशन कर लेंगे कल अपना सोल्यूशन को, ठीक है ना, एक ट्राई और। अच्छा जी आज हम बोरिंग कॉस्ट पे हो गए बच्चे पूरे, लेकिन मैंने आपसे आज किया था 45 से लेट ना हुआ करें, आज 50-55 तक बच्चे आते रहे भाई। मैंने थोड़ी सी मैंने आपके साथ डिस्कशन की है हुसैन एसोसिएट पे, ठीक है, इसको देखो जरा क्या कर रहा है आई के, सोल्यूशन क्यों ये दे दिया, और हम इसको कोई जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शायद मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, तो शायद आप भी कर लें, थोड़ा सोचेंगे, कल इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस कर लेंगे फाइनली, ठीक है, ले आए भाई। अच्छा भाई कल वाला सवाल ओपन कर लें, इधर रखिएगा भाई, कल वाला सवाल ओपन करें, टीपू हो गया था, टीपू टीपू वाला सवाल कोई मसला तो नहीं है उसमें, और फिर छोटा सा ही एक सवाल मैंने फिर बदल ही दिया था हैंडआउट को, ठीक है ना, मैंने बीच में से वो काम उड़ा दिया था जो नहीं करने। सेकंड क्वेश्चन जरा आमिर भाई दिखाइएगा, होमवर्क के अंदर क्वेश्चन था, मिस्टर एम ऑब्टेन अ लोन ऑफ 200 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2012। भाई हुसैन एसोसिएट ट्राई करोगे ना घर पे दोबारा, मेरी दो चार बातें करने का मकसद क्या है, जरा ऐसे भी सोचा आपने, कितने बच्चों ने बिल्कुल सही कर लिया था, नहीं, कितने बच्चों का सोल्यूशन मैच हो गया था, अच्छा कितने बच्चों ने सोल्यूशन देख के फिर उसको मैच कर लिया था, वो ऐसे होंगे, सुबह सुबह आया तो देख ही लेते सुबह सुबह, चलें ठीक है। अच्छा चलें सोल्यूशन आ गया सुबह, ठीक है, और सोल्यूशन आई कैप का, ठीक है, तो क्या करें आप, देखेंगे जाके, दो तीन बातें मैंने भी की, ठीक है, डैमेज भी हो रहा है, फिर इसको चेंज एस्टिमेट भी नहीं कहना चाह रहा मैं, या कहना है तो कैसे कहना है, जरा चेक कर लेंगे हम, ठीक है, इसको चेक करेंगे, एक ट्राई और करेंगे, कल इसको फिर फाइनल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन बाद आप देखो, सोल्यूशन अब एक ट्राई कर लिया आपने, सोल्यूशन ही देखना है, और क्या करना है जी। अच्छा जी आ जाएं, इधर ही ले मैं पढ़ता रहूंगा, मिस्टर एम ऑब्टेन अ लोन ऑफ 200 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2012 एट अ मार्कअप ऑफ, नजर नहीं आ रहा, एट अ मार्कअप ऑफ 10% पर एनम, ये पर एनम लिखा हो ना लिखा हो, खामोशी में पर एनम ही होता है, अनलेस कि वो खुद कोई और बात बता दे। अच्छा, प्रिंसिपल इज पेएबल, वो जो असल 200 है वो पेबल है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 मिलियन ईच। अगर 200 मिलियन का लोन है और हर किस्त 20 मिलियन की है तो किस्तें कितनी बनी, 10, और कितनी अरसे बाद किस्त पे करनी है, 6 महीने बाद, तो फिर 5 साल में ये लोन खुड़क जाना है पूरा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट किस दिन से कर रहे हैं, फ्रॉम 30 जून 2012, यानी कि हमने ये 1 जनवरी 2012 को लिया, पहले 6 महीने एंड हुए 30 जून 2012 पे, मैंने आपको बताया था दोनों तरह से हो सकता है, या तो 30 जून 2012 की शाम को लोन दे दिया जाए वापस किस्त, या 1 जुलाई 2012 की सुबह, तो आसान ये होता है, इसलिए जरा शुरू वाले सवाल है ना तो आसान वाले चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है भाई। आपने सवाल भी करना था यहाँ से, किसी ने सवाल रेस किया था, अब दोबारा पूछना, फिलहाल अभी सवाल कर लो, ठीक है। अच्छा इसी की बात थी ना, करते हैं अब, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था कैमरा ऑन वाले सबसे कर लेना, ठीक है, तो सबको आंसर मिल जाएगा भाई, वो अभी कर लेना ये सवाल पूरा, तो ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है जी, और प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2012 and 2013 कैलकुलेट करना, ठीक है जी। चलें पहले वर्किंग कर लेते हैं, बी रिक्वायरमेंट पहले करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है जी, ठीक है, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है कि मैं टाइमलाइन बना दूं कल की तरह से, लेकिन ना उससे आसान तो जरूर हो जाता है, टाइम बड़ा वेस्ट होता है, तो जरा जबानी करने की कोशिश न कर लें, बात समझ रहे हो, टाइमलाइन से तो एक कल सवाल में टाइमलाइन बनाई थी ना, टाइमलाइन बना दी थी, अब उसूली तौर पे तो वो समझ आ गया, तो टाइमलाइन आप घर पे बना लें, बनानी है तो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ जरा डायरेक्ट मूव करें गिनती करके, ठीक है, अगर ना समझ में आए किसी बच्चे को टाइमलाइन बना दूंगा मैं, नो इशू, ठीक है जी। कल ही बना ली थी, पहले ही बना दें यार, चलो ठीक है फिर भी, लेकिन फिर इससे मैं एकदम यार समझा देता हूँ, उसके बाद फिर सवाल करते हैं, इसको नहीं देखेंगे, चलो इसे कर लेते हैं। हमारा साल है कब शुरू हो रहा,
12 खत्म हो रहा, ठीक है, और एक साल अगला भी बना लेते हैं फिलहाल, नहीं जरूरी नहीं है, मैं एक से समझा देता हूं। किस दिन लोन लिया? यकम जनवरी 12 पे 200 मिलियन का लोन ले बैठे ये एम साहब। अब 20 मिलियन की किस्त है और हर 6 महीने बाद किस्त है, पहली किस्त पे हो रही है 30 जून 12 पे, दूसरी 31 दिसंबर 12 पे, फिर तीसरी 30 जून 13 पे और चौथी 31 दिसंबर 13 एंड सो ऑन। अब लोन की परसेंटेज हमेशा अप्लाई होती है प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे, ठीक है, मतलब यकम जनवरी 12 को बैंक से कितने पैसे लिए 200, अब ये 200 आउटस्टैंडिंग है कब तक, हाँ जी, क्योंकि 30 जून 12 की शाम को 20 रुपए पे करोगे तो ये फिर उस दिन बचेगा 180, तो पूरा 200 आउटस्टैंडिंग रहा यकम जनवरी 12 से 30 जून 12 तक, ये 200 जो आउटस्टैंडिंग रहा ना, ये 200 आउटस्टैंडिंग रहा 30 जून 12 की शाम तक, फिर 20 उसमें से माइनस होके अब ये 80 आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है ना, तो 180 को आपने कभी भी इंटरेस्ट के लिए नहीं लेना, इंटरेस्ट की परसेंटेज हमेशा अप्लाई किस पे होगी, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे, मैं 80 बता रहा हूं, ये कहानी 200 आउटस्टैंडिंग रहा यकम जनवरी 12 से 30 जून 12 की शाम तक, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 200 पे, ठीक है, फिर वो ठीक है आपकी बात, चलो ऐसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी, तो फॉर द एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहे हैं जी हम, बोलो बल्कि ऐसे कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 200 इंटू 12 या 10% ये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा इंटू 6/12, ये कौन कौन से महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2012, समझे बात को, ठीक है ना, ये आपके लिए मंथ्स लिख के पर्चे में थोड़े लिखने बैठ जाएंगे, तो यकम जनवरी 12 से 30 जून 12 की शाम घर जाते तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा 200, तो वो 200 के ऊपर लग गया 10%, अब ये 10% से तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलता था ना, लेकिन ये कितने महीने का इंटरेस्ट आई हमें 6 का, तो क्या आंसर आया 10 रुपए आ गए। अब इस शाम को 20 पे हुआ और अब इस शाम को जब घर जाएगा तो खुद पे लायबिलिटी कितनी फील करेगा 180, अब ये 180 आउटस्टैंडिंग हो गया और ये आउटस्टैंडिंग रहा कब तक, यकम जुलाई 12 से ये आउटस्टैंडिंग हुआ और 31 दिसंबर 12 की शाम तक ये आउटस्टैंडिंग रहा, अभी मैं किस्त लिखता ही नहीं हूं, अभी वो घर के लिए निकला है 31 दिसंबर 12 की शाम को वो घर के लिए निकला है एम, तो अभी तक भी उसने किस्त पे नहीं की, तो अब 6 महीने कितना आउटस्टैंडिंग रहा 180, ठीक है, तो फिर 180 का 10% मैं चाह रहा था जबानी करते, बहरहाल ये फिर अगेन पूरे साल का इंटरेस्ट निकल आएगा यहां से, लेकिन हम तो इसे 6/12 करेंगे, ये कौन सा है जी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2012 कितना 9, और टोटल इंटरेस्ट इस साल का 19, कितने जन 19 सही निकाल लिया था, चले कट्ठे कट्ठे ठीक है सही है। अब एक और किस्त पे हुई इस शाम को, वो घर जाते हुए उसने किस्त पे कर दी, तो जब घर पहुंचेगा तो लायबिलिटी कितनी है इसके ऊपर 160, ठीक है जी, ये 160 जो है भाई उधर देखें, ये 160 जो है ये पेबल है, सो ठीक है जी पेबल, ठीक है, ये है इस पे लाया बिल्ली 31 दिसंबर 12 की शाम को खुद को ये 160 रुपए के लिए लायबल फील कर रहा है, ठीक है बात समझ गए। अच्छा अब रिक्वायरमेंट ए क्या है, बैलेंस शीट बना दो, ठीक है ना, बोलो इनकम स्टेटमेंट क्या बनानी यार, एक्सपेंसेस में 19 रुपए चले जाने हैं, वो क्या लिखना, इंटरेस्ट एक्सपेंस 19 ये लिखोगे, लिखना लिख लो इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट लिख लो, ठीक है बना दूंगा बाद में, बैलेंस शीट फिर एक्सट्रैक्ट, एसेट हम पे या लाइबिलिटी है, हम पे लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है करंट ना, नॉन करंट है पूरी की पूरी ना करंट, ठीक है, तो नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लोन आएगा, लोन फ्रॉम कोई, चलो ठीक है एलटी शॉर्ट लिख लो, लॉन्ग टर्म लोन आएगा और करंट लाइबिलिटीज में इसका करंट पोर्शन, ठीक है जी, करंट मेच्योरिटी भी इसे कहते हैं, करंट मेच्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, करंट अगले 12 महीने में कितना मेच्योर हो जाएगा, बारह करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, ठीक है, तो हम 2000 पहले 12 बनाते, तो 31 दिसंबर क्या जी,
31 दिसंबर 2012 पर हम कितना लायबल फील कर रहे हैं? 160। इस 160 में से चूंकि सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं और अगले एक हम 31 दिसंबर 2012 पे खड़े हैं ना, अगले 30 जून 2013 पे एक किस्त पे होगी। मैं जबानी करना चाह रहा हूं, लिख के तो एक मिनट में पता लग जाए, ठीक है। हम कितना लायबल फील कर रहे हैं खुद को? 160। इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है, कितनी कितनी? 20-20 की, ठीक है। तो और पे हो रही है 31 दिसंबर और 30 जून हर साल में, 31 दिसंबर और 30 जून ये किस्तें पे होती हैं। अब हम 31 दिसंबर 12 पे खड़े हैं, अब अगली एक किस्त 6 महीने बाद 30 जून 13 पे होगी, और फिर एक किस्त 31 दिसंबर 13 पे होगी। अब 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 13 तक जो करंट एरिया है, करंट पोर्शन है, वो दो किस्तें पे हो रही हैं 20 और 20 40 की। तो ये क्या है हमारा करंट पोर्शन? पहले हमेशा करंट पोर्शन निकाल लिया करें, क्योंकि करंट पोर्शन सामने वाले 12 महीने इनको देखना आसान है, ठीक है। तो पहले हमेशा क्या किया करोगे? करंट पोर्शन निकाल लोगे और फिर टोटल लोन कितना है इसमें से करंट को माइनस कर दोगे तो नॉन करंट पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी वही है भाई, 160 के लिए खुद को लायबल फील कर रहे हो, लेकिन उसको सिर्फ हमने तोड़ के प्रेजेंट कर दिया करंट और नॉन करंट, ठीक है ना। तो ये कहानी कुछ इस तरह से थी, एक 20 इधर पे होना था और एक 20 और इधर पे होना था, और यहां पर ये 120 रह जाना है, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 13 तक इस 160 में से ये 40 पे हो जाना था, ठीक है ना, सही है। तो इसलिए ये 40 करंट पोर्शन में आ गया कि ये अगले 12 महीनों में लायबिलिटी पे करनी है। बाकी जो बात किया वो सारे का सारा क्या है? नॉन करंट। वो देख लो 120 ही आ रहा है, 160 में से 40 गया तो 120, सही है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी हमने सीख लिया और करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन भी आ गई। अगले साल में गए, अगले साल का भी इंटरेस्ट निकालना था। ओहो, चलो ऐसे लिख लेते, अगले साल जी इंटरेस्ट एक्सपेंस अब निकलने लगा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी, कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 160 आउटस्टैंडिंग हो गया और अगले 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो 160 × 10% × 6/12 कितना जी? 8। और फिर 20 पे होकर 140 रह गया × 10% × 6/12 7, ठीक है जी, टोटल आ गया 50। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नजर आ जाएगा 15 का इंटरेस्ट। अब आई बैलेंस शीट की बारी, तो बैलेंस शीट में आप खड़े हो इस दिन 31 दिसंबर 13 पर, आप पर लायबिलिटी कितनी है? 120 की लायबिलिटी है, जिसमें से 40 अगले एक साल में, तो उसको पहले लिख लिया करो करंट। अब 120 में से 40 गए तो बाकी 80 जो है वो लॉन्ग। 31 दिसंबर 2000, ठीक है भाई, समझ गए बात? चलो शुक्र है भाई, समझ गया जी। हाँ, ये क्वेश्चन था भाई का कैमरा ऑन होने से पहले, मैंने कहा था रुक जाओ कैमरा ऑन होने दो। भाई साहब ये कह रहे हैं कि यहां पर बात लिखी हुई है के प्रिंसिपल इज पेबल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ईच, तो इस पेबल को पहले समझते हैं फिर वो बात भी आ जाएगी। ये प्रिंसिपल जो है ये पेबल है हर 6 महीने बाद 20-20 करके पे होना है, ठीक है, पेबल है, ये लिखा हुआ है पेबल। क्या लिखा हुआ जी? तो हम क्या समझेंगे कि ये हर 6 महीने पर पेबल बनता जाएगा, पे होता जाएगा, क्या होगा जी? पे होता जाएगा। तो ये पेबल क्यों लिखा हुआ है? ये इंटर में पढ़ाया जाता है कि ये एग्रीमेंट जब लिखा जाता है ना, तो उस एग्रीमेंट के अंदर बात यूं की जाती है, भाई ये पकड़ो लोन 200 का, अब इस लोन को तुमने वापस कैसे करना है? 20 रुपए की किस्त होगी पेबल हर 6 महीने बाद, और साथ में इसका इंटरेस्ट भी पेबल होगा, ठीक है। तो फिर मतलब क्या, हर 6 महीने के बाद ना किस्त पे करोगे, आपको तुमने लिखा है पेबल होगा तो पेबल है, मैंने साइड पे रख दिया है, इंटरेस्ट भी क्या है पेएबल है, मैंने रख दिया साइड पे, पे तो नहीं करना, पेएबल है। अगले 6 महीने के एंड में पहुंचे दूसरी किस्त, वो आ गए कहने लगा किस्त आपको एग्रीमेंट में आपने लिखा था कि ये भी हर 6 महीने बाद पेएबल होगा तो पेएबल है, मैं तो कह रहा हूं नहीं है, पेएबल है, साइड पे रख दिया, ओके इंटरेस्ट भाई वो भी आपने लिखा हुआ क्या है पेएबल। तो भाई इस पेएबल का मतलब क्या होता है, जो सवाल में लिखा होता है कि भाई लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये पेएबल हो जाएगा 6 महीने के एंड पे। अब उसका मतलब क्या है कि फिर 6 महीने के एंड पे वो एग्रीमेंट में लिखी हुई बात को आप जाके फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप जाओगे कहोगे जी ये मेरा पेबल बन गया था, ये पकड़ो इसका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और ये इसका इंटरेस्ट, ठीक है। अब असल में भाई साहब को मसला हुआ इस क्वेश्चन से, टीपू वाले से, टीपू वाले सवाल में लिखा था लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल,
repayable in semi-annual installments of 10 million each starting from 31st December 15 along with interest. मतलब 31 दिसंबर 15 पे जो पहली किस्त पे होगी कितनी थी 10 की, उसके साथ उन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पेएबल है. क्या मतलब? मतलब ये स्टार्ट में बैठ के उन्होंने टीपू 90 मिलियन का लोन पकड़ लो और 10-10 मिलियन की किस्तें हर 6 महीने बाद पेएबल हैं अलोंग विद इंटरेस्ट, ये उन्होंने पहले दिन बैठ के तय किया. अब जब 31 दिसंबर 15 की शाम को वो 10 मिलियन का प्रिंसिपल लेके जाएगा, साथ ही उन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी लेके जाएगा, वो कहेगा ये 10 मिलियन पेएबल था मेरा पकड़ो और ये इसका इंटरेस्ट था ये भी पकड़ो. इसलिए क्योंकि अभी एंट्रीज में गए नहीं, हम जाएंगे एंट्रीज में, पेएबल भी आया करेगा, ठीक है ना. लेकिन फिलहाल तो 31 दिसंबर की, मैंने कहा ना ये आसान वाला केस है कि 31 दिसंबर 15 की शाम को किस्त पे हो गई, साथ ही इंटरेस्ट भी पे हो गया, तो कुछ पेएबल. लेकिन लोन तो अभी पेएबल है ना, वो तो 90 था, 90 में से कुछ पे हो गया. ऐसे ही जैसे 100-200 के लोन में से 40 पे हो गया और 160 अभी भी पेएबल, तो लोन पेएबल है लेकिन इंटरेस्ट पेएबल नहीं. इंटरेस्ट भी पेएबल हो जाता कब? अगर यूं लिखा होता द लोन इज रीपेएबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 16, समझे? तो फिर 31 दिसंबर 15 की शाम को 31 दिसंबर 15 का इंटरेस्ट पे ना होता तो वो पेएबल नजर आता बैलेंस शीट में, वो अगले दिन पे होता. बस समझ गया अब, ठीक है? तो इस पेएबल से कभी, सवालों में लिखे हुए पेएबल से कभी नहीं घबराना. हाँ, ये डेट देखनी है आपने, वो होता है एग्रीमेंट में स्टार्ट में बैठ के जब टर्म्स तय होती हैं, ये पकड़ो लोन, इसकी किस्तें और इसका इंटरेस्ट पेएबल होगा फलां फलां दिन. अब अगर तो वो पेएबल इंटरेस्ट जो पेएबल है वो एग्रीमेंट में लिखा कि 6 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने के आखिरी दिन पे हो जाना है, तो फिर ईयर एंड पे अगर हमारा 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की शाम को पे हो जाना है, फिर कुछ पेएबल नहीं होगा. और अगर ये कम जनवरी को पे होना है तो फिर पेएबल होगा. तो मैंने कहा था सवाल अभी सादा है, अभी दिलों वाले नहीं शुरू हुए, ठीक है ना. तो इस वजह से इंटरेस्ट पेएबल यहां पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस सवाल में तो जो सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन इसमें तो वैसे इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया ना, टीपू वाले में था तो वो आपको समझा दिया. क्लियर है ये बात? ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसका आंसर बच्चे को ऑफ कैमरा नहीं दिया था ताकि सबका फायदा हो जाए. अच्छा जी, अब आज की क्लास पे आते हैं. अल्लाह, अच्छा जी, हेडिंग बनाएं आप क्वालिफाइंग एसेट. अच्छा, वैसे इसकी एंट्रीज अगर मैं कहूं, ये सवाल हमने किया क्लास में होमवर्क में, चलो होमवर्क वाली की एंट्रीज कर लें. अगर भाई अभी तक मैसेज नहीं हुआ, भाई यार ये आपको आवाज़ आ रही है क्या माइक से, स्पीकर से आवाज़ आ रही है? नहीं, आप नहीं, पहले आ रही थी, मुझे तो नहीं लग रहा आ रही थी, स्पीकर नहीं चल रहा है. मैंने कोई 20 मिनट पहले कहा था कि किसी से कहीं सही कर दे, यहाँ पे आके कभी चल जाती है, वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, इसका मसला हल करवा दें काइंडली. अभी आ रही है ना, लेकिन मुस्तकिल नहीं आ रही ना, अभी यहाँ बैठा हूँ तो आ रही है, मैं चीख चीख के थक गया हूँ वहाँ से, मैं जब पढ़ा के आ रहा हूँ. अच्छा जी सुने, ये लोन लिया 200 का एम ने, क्या एंट्री करेगा? ये कम जनवरी 12 पे लोन लिया, बैंक या कैश डेबिट, बैंक में ही पैसे देता है, बैंक वैसे अकाउंट में देता है, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, ठीक है, लोन पेबल ही होता है, 12 लोन पेबल करेगा, ठीक है जी. नेक्स्ट, पहली किस्त पेगी, एंट्री क्या करेगा? लोन डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 20 से. और अगर इंटरेस्ट होता, जाहिर है पे भी हुआ, कितना इंटरेस्ट है पहले 6 महीने का? मैं अज्यूम करता हूं कि ये 10 रुपए भी इसी दिन 31 जून की शाम को पे होने हैं, तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट. फिर 6 महीने और गुजरेंगे, फिर 31 दिसंबर 12 की शाम आएगी, अब फिर 20 रुपए का प्रिंसिपल लेकर जाएगा और 9 रुपए का, 9 रुपए दिखाना आमिर भाई, नहीं 10 तो अंकल पे हो गया ना, कर ही लेते हैं ये बात, अकाउंट मैं नहीं बना रहा, ठीक है, डायरेक्ट एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है. तो 1 जनवरी कालो उसको जी, 1 जनवरी 2012 पे जब लोन आया तो एंट्री आपने की बैंक या कैश, बैंक कर लें, बैंक कैश इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी के लिए समझ आ जाए, ठीक है, कैश या बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट कितने से? 200 से, ठीक हो गया, डन. उसके बाद 30 जून 12 आया, तो एक तो आपने किस्त पे की,
ठीक है, किस्त कितनी पे की? 20 रुपए की। तो आपने एंट्री पास की, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। भाई पहले किस्त पे कर लेते हो यार, पहली दफा एंट्री कर रहा हूँ, इंटरों पता नहीं क्या पड़ा होगा इसलिए। और साथ ही आप इन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे कर दो। आपको क्या सवाल में लिखा नहीं हुआ? मैं सवाल में लिखा हो तो ऐड कर लो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मैं कह देता हूँ अब कर लो सवाल में। असल में इस सवाल में कभी मैंने डिस्कशन की नहीं ना, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सिर्फ इसकी कराई थी, इंटरेस्ट निकालना आ जाए, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट नहीं लिखा था, टीपू वाले सवाल में लिखा हुआ था। तो सवाल मेरा ही था ना, अज्यूम कर लेते हैं लिखा हुआ है। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 मिलियन आर पेएबल ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। डन, इंटरेस्ट भी पे करो। अब इन 6 महीनों का इंटरेस्ट इन 6 महीनों में ही पे हो जाना, 6 महीने के आखिरी दिन। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक 10 रुपए। तो भाई बैंक ने सिर्फ लोन का प्रिंसिपल ही नहीं लेना होता, इंटरेस्ट भी तो लेना होता, ठीक है। अब फिर 6 महीने गुजरेंगे, एंड आएगा इस साल का 31 दिसंबर 12, लोन की दूसरी किस्त जाएगी। एंट्री बोलो, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से? फिर 20 से। और इन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी साथ ही देकर आएगा ये, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, और अब ये कितने से होगा? 9, ठीक है जी। अब सारी बात ओपन होगी तो चलने दो। फिर लोन का अगर अकाउंट बना रहे हो आप, बिल्कुल बेसिक में ले गए, मैं लोन फ्रॉम बैंक का अकाउंट है, तो यकम जनवरी 12 को कैश डेबिट या बैंक डेबिट लोन क्रेडिट हुआ 200 से, फिर 30 जून 12 पे लोन डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट हुआ 20 से, फिर 31 दिसंबर 12 पे लोन डेबिट कैश क्रेडिट हुआ 20 से, तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 100। तो मैं यही बात ही कर रहा था कि 31 दिसंबर 12 की शाम को 160 पेएबल है, जो ऐसे तोड़ के दिखा दो, ठीक है, सही है। अब इंटरेस्ट पेएबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंटरेस्ट बनता है वो उसी दिन पे हो जाता है, तो कुछ पेएबल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट भी बना दो इधर नीचे, इनकम स्टेटमेंट। अब सब हो ही गया तो चलो अब सब कुछ ही कर लेते हैं। क्वालिफाइंग एसेट से पहले एक्स टैक्स 2013 और 2012 जी, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा। ये देखो 12 के साल में सिर्फ 10 का इंटरेस्ट नहीं आना, ये 10 भी आना है, ये 9 भी आना है, तो टोटल 19 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। वो हर महीने भी एंट्री पड़े तो साल में तो 12 एंट्रीज पड़ जाएंगी, यहां पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, और सही है ना। ऐसे ही अगले साल की मैं एंट्रीज नहीं कर रहा, अगले साल में क्या होगा? पहली एंट्री तो कोई नहीं होगी यहां पे, पहली एंट्री तो कोई नहीं होगी ना, लोन दोबारा तो नहीं आना। फिर ये एंट्री होगी 20 की, और यहां पर होगी 8 की एंट्री, फिर ये 20 की और ये 7 की एंट्री, ठीक है। और फिर क्लोजिंग डेट पे इस तरह से लेजर बताएगा 120 पड़ा हुआ है पेएबल अभी तक, ठीक है। ये 120 को तोड़ के दिखाओगे 80 और 40 में, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बारी आएगी तो ये सारा 15 नजर आएगा, ठीक है, करो नोट। करो लेजर बनाना है तो बना लो, लेजर को कंप्लीट कर लो, फिर ले आओ उसको, एक साल और आगे ले आओ, 2 साल का लेजर कर लो, इंट्रस्ट एक्सपेंस का लेजर मत बनाओ। अब समझ आया कुछ? बेहतरी आई है? ऐसी फजूल में टाइम जाया किया? अच्छा, तो भाई दो बातें अपने पास लिख लो। पहली बात लिखो, इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, मैं देखो ना, ना तो लोन के कभी ओपनिंग पे रेट लग के, हम ये नहीं असूल बना सकते कि लोन के ओपनिंग पे रेट लगेगा हमेशा, ठीक है ना, ये असूल बनाएंगे लोन के क्लोजिंग पे रेट लगना है हमेशा, पुराने साल बदल भी तो सकता है, ठीक है। हमने देखना है कि कॉन्स्टेंटली आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है लोन की, उस कॉन्स्टेंटली आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए रेट लगाया था, यही देखा हमने। और मैंने आपको दिखाया 206 महीने तक रहा आउटस्टैंडिंग, फिर 180 रहा, इस तरह से, ठीक है ना। तो लिख लो उसूल, इंटरेस्ट रेट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर लगा करेगा। इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट
आउटस्टैंडिंग। एक बात ये लिख लो आप, और दूसरा उसूल, ये बचपन वाली बातें हैं, लिख लो दूसरा उसूल भी, इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स। इधर देखो, इंटरेस्ट इज पहले लिखना बाद में, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स से भाई के सवाल की गलती हो जानी, मतलब गड़बड़ हो जानी। मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है। भाई कहेंगे आपने तो कहा था पेबल है ही नहीं, बल्कि ये तो पे हो रहा है। इस एरियर का मतलब ये है कि 1 जनवरी 12 से 30 जून 12 का जो इंटरेस्ट है वो 30 जून 12 को पे होगा, कभी 1 जनवरी 12 को पे नहीं हो सकता, ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्ट कभी भी पहले एडवांस में कभी अक्रू होता ही नहीं है, इंटरेस्ट हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ अक्रू होता है। आज ये लोन इन्होंने लिया, आज ही वापस कर दें तो बैंक इसे क्या कहेगा, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो, नहीं इंटरेस्ट नहीं ले सकता बैंक, किस चीज का इंटरेस्ट। लेकिन अगर 2 महीने इस्तेमाल कर लिया और फिर लोन वापस किया तो कहेंगे इन 2 महीनों का इंटरेस्ट दे दो, भाई 2 महीने गुजर गए, ठीक है। तो लिख लिया आपने उसूल दूसरा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स, या यूं लिख लें इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस। असल में ना हम लोन लेते ही लोन के प्रिंसिपल के लिए खुद को लायबल फील करने लग जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन लोन लेते ही उस इंटरेस्ट के लिए लायबल फील नहीं करते, लोन लेते ही इंटरेस्ट के लिए लायबल फील नहीं करते, फिर लोन उसका पैसा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इंटरेस्ट के लिए खुद को लायबल फील करने लगते हैं। पहले दिन सिर्फ लोन के लिए अपने आप को पेबल फील करते हैं, ठीक है। भाई वो मिटा देते हैं, हो गया नोट जी। मतलब जो लोन का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, क्या मतलब, इधर रुकना एक मिनट रुकना, बल्कि उधर से मिटा लो, खैर है मिटाना शुरू कर दो। 200 आउटस्टैंडिंग रहा 30 जून 12 तक, फिर 30 जून 12 पे 20 पे हो गया, तो 180 अब आउटस्टैंडिंग है। अब 200 प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से जितना आउटस्टैंडिंग रहा, पहले 6 महीने में 200 आउटस्टैंडिंग रहा, अगले 6 महीने में 180 रहा, अगले 6 महीने में 160 रहा, एंड सो ऑन। क्या है जी, मतलब पौधा, हमने एक प्लांट लिया 100 रुपए का, प्लांट मशीनरी वाला प्लांट, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन 5 की पड़ी, इंस्टॉलेशन 10 की पड़ी, इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 100 रुपए से एंट्री करेंगे प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और बाकी 15 से एंट्री करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। आर यू श्योर, किसने कहा था ये, आपने नहीं कहा था, आगे 16 ने कहा था, आगे 16 ने कहा था क्या करो, अपने एसेट को प्लांट को 115 पर रिकॉर्ड करो, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये क्या है जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। 100 रुपए का तो एसेट था ही, हमने 15 रुपए मजीद इसमें ऐड कर दिए, तो कैपिटलाइज की हमने कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। वी हैव इसका मतलब क्या है, वी हैव एडेड या कैपिटलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन टू कॉस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। नोट कर लें, इतनी बार वहीं रखें जी कैमरा। वी हैव एडेड 15 मिलियन, आसान करके लिखना तो आसान करके लिख लो, वी हैव एडेड 15 मिलियन इन कॉस्ट ऑफ प्लांट, यूं कर लो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग में, नीचे ये मुश्किल अंग्रेजी लग रही है, मुझे लग रहा है आसान ये वाली है, ये वाली लिखो, क्या लिखो, वी हैव एडेड 15 मिलियन, 15 ही ऐड किया ना, वी हैव एडेड 15 मिलियन इन कॉस्ट ऑफ प्लांट। अभी मैंने बात नहीं की क्वालिफाइंग एसेट की हेडिंग आगे बनाएंगे, फिलहाल ना बनाए। वी हैव एडेड 15 मिलियन इन कॉस्ट ऑफ प्लांट, ऐड ही किया ना,
प्लांट 115 का नहीं हो गया? अच्छा जी, ले आमिर भाई इधर कैमरा। ये बात तो समझ आ गई कि प्लांट जो है उस पर इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन हमने ऐड कर दी, यानी हमने कैपिटलाइज की 15 मिलियन की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दी 15 मिलियन। अब मेरा अगला सवाल, अगर आप कोई लोन लें और उस लोन को एसेट बनाने में इस्तेमाल करें, सवाल ध्यान से सुनना है, अगर आप कोई लोन लें और उस लोन को एसेट बनाने में इस्तेमाल करें तो क्या उस लोन पे होने वाला इंटरेस्ट भी आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं? उसका आंसर है यस। बदल गई आज कहानी। मैंने सवाल पूछा, क्या आप कोई लोन लें और उसको एसेट बनाने में इस्तेमाल करें तो उस लोन पे जो आपने इंटरेस्ट दिया क्या आप उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं? सब ने जवाब दिया नो। मैंने कहा नहीं, पूरी बात ये नहीं है, सिर्फ नो से काम नहीं चलेगा, बल्कि थोड़ा सा तफसील से जवाब दो। और तफसीली जवाब ये है कि अगर वो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो फिर आप उस लोन के ऊपर जो उसमें यूज हुआ उस पर जो इंटरेस्ट पे करें उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बात समझे? ठीक है, तो ये जो एसेट अच्छा खासा अरसा लेता है ना बनने के लिए, अच्छा खासा अरसा जो एसेट बनने में ले, IS-23 का वो क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन लिखो। मेरा सवाल फिर सुनो, एक बार फिर रुक जाओ। आपने कोई लोन लिया और उस लोन से कोई एसेट बनाया तो उस लोन पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया क्या आप उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो? आंसर इज यस, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? अगर वो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले। तभी तो इंट्रो में हम कहते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जरूरत थी एक एसेट की, पैसे नहीं थे, आपने बैंक से लोन लिया, जाके वो एसेट खरीद के ले आए। अब लोन तो आप पता नहीं हो सकता 2 साल में वापस करें, उस पर इंटरेस्ट भी पे करें, तो क्या उस इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करते थे? नहीं, आउटराइट परचेज को अच्छा खासा अरसा ले रही है। लेकिन यहीं पे एक प्लांट हो, वो प्लांट आपने लेना था, उस पर लोन लेकर प्लांट मंगवाया बाहर से, वो आया, फिर वो इंस्टॉल हुआ, फिर वो टेस्ट रन हुआ, 4-5 महीने लग गए, नाउ दिस प्लांट इज क्वालिफाइंग एसेट। बात समझे हो? ठीक है ना, तो अगर वो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले, जिसको आपने बनाने के लिए लोन लिया और पैसा इस्तेमाल किया उसमें, ठीक है, अगर वो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो फिर आप उस लोन पे होने वाले इंटरेस्ट को उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। हाँ, जाहिर सी बात है वो कोई खास अरसा होगा, भाई कब से ऐड करना शुरू करें और कब ऐड करना रोक दें, वो बातें इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा लेता है ना, इसको IS-23 कहता है, ये क्वालिफाइंग एसेट है मेरे हिसाब से। यानी ऐसे एसेट्स जो क्वालिफाइंग एसेट्स हों, जो बनने में अच्छा खासा अरसा लें, अगर उन एसेट्स को आपने बनाने के लिए लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे किया तो उस इंटरेस्ट को इस एसेट कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। तो पहली बात लिखो, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट विच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। इज एन एसेट विच टेक्स, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट विच टेक्स अच्छा खासा की अंग्रेजी होगी ना, विच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। विच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। अच्छा जी, अब अगली लड़ाई पड़ जाती है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है कितना। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब तो है, मैंने कहा जी, अच्छा खासा अरसा। अब ये अच्छा खासा अरसा कितना है, स्टैंडर्ड इस पे खामोश है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने बस ये लिखा जो अच्छा खासा अरसा ले, जो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले, स्टैंडर्ड अच्छा खासा, बस जो अच्छा खासा अरसा ले। तो फिर किताबें जो हैं वो इसको 2-3 माह का अरसा लिखती हैं, 2-3 मंथ्स। अगर कोई एसेट बनने में 2-3 महीने ले
तो उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कह दिया जाता है। बात समझ रहे हो? इससे कम नहीं, 2 से 3 महीने, इससे ज्यादा जितना 2 साल ले ले, ठीक है, लेकिन मिनिमम ये कि अच्छा खासा अरसा कब कहलाएगा, जब वो एसिड बनने में 2-3 महीने ले गया, और अगर वो 2-3 महीने बनने में ले गया तो वो है क्वालिफाइंग एसिड, और अगर वो क्वालिफाइंग एसिड है तो आपने अगर उसको बनाने के लिए लोन लिया, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया वो आप इसकी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बाद में देखेंगे ना किसी सवाल के अंदर जाके, लेकिन ये है कि आप उस इंटरेस्ट की एंट्री जो है ना, इंटरेस्ट की एंट्री, वो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं डेबिट करोगे, जैसे 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 देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, प्लांट कैश क्रेडिट नहीं किया आपने, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट नहीं किया आपने, बल्कि आपने क्या एंट्री की, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होगा बल्कि एसेट डेबिट, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। और ये कौन सी कॉस्ट है अब जो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, दिस इज बोरोइंग कॉस्ट, दिस इज बोरोइंग कॉस्ट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैसे होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा, एसेट कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे इंस्टॉलेशन, इसकी एंट्री हमने क्या की, शक्लें बन रही हैं, क्या कर सकता हूं मैं इससे ज्यादा, मैं क्या करूं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया, या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया हमने, बोलो, नहीं किया भाई, नहीं किया हमने, नहीं किया ऐसे, हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया, हमने डेबिट किया प्लांट को, ठीक है जी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट हमने नहीं किया, बल्कि हमने प्लांट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट किया, तभी तो प्लांट की कॉस्ट 115 पे पहुंची है। यही मैं कह रहा हूं कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते, ये भी अगर कैपिटलाइज होना है तो फिर ये एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। जितने अरसे के लिए करनी है वो मैंने पढ़ाना है, अभी तो ये बता रहा हूँ कि ये कैपिटलाइज होती है, ठीक है, उत्तर मन वड़ंगी ना दे देना। अच्छा जी, अच्छा जी, एग्जांपल्स लिख लें इसके नीचे, आप कुछ एग्जांपल लिख लें, ईजी लिखें, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, और बोलो पीपीई में बिल्डिंग प्लांट एटसेट्रा, इंटेंजिबल्स लिख लें, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए जैसे, इन्वेंट्रीज लिख लें, हाँ अगर हवाई जहाज में आने वाली कंपनी है आप तो, हवाई जहाज बनाने वाले, उड़ाने वाले नहीं, और खुद भी हवाई जहाज ना हो बंदे। एग्जाम्पल्स मैंने बोली थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे बिल्डिंग है, बनने में अच्छा खासा अरसा ले सकती है, ठीक है, प्लांट्स हैं बनने में, नहीं तो इंस्टॉल होने में भी अच्छा खासा अरसा ले ही लेते हैं एक्सेट्रा, ऐसे ही इन टेंजिबल्स भी हो सकते हैं क्वालिफाइंग एसेट, कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कई के साथ ईआरपी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होते हैं, इंप्लीमेंट होते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही इन्वेंट्रीज भी आपकी इंटेंजिबल हो सकती हैं, लेकिन होने वो हवाई जहाज चाहिए जो बनने में अच्छा खासा अच्छा ले जाए, एरोप्लेन एक्सेट्रा, एरोप्लेन, आप लोगों का नाम नहीं लिख लिया, खुश हो जाओ हमारा नाम आ गया आज, ठीक है जी, बस बेटा एग्जाम्पल्स लिख लें। थोड़ी सी इसकी ना ऐसे क्विक सी प्रैक्टिस करते हैं, पता लगे आपको क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, तो मैं ना कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इस तरह से हम कर लेते हैं, मैं एग्जांपल्स लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, ठीक है जी, जरा जल्दी से देख लेना, ऐसे समझ भी आई है या नहीं, फिर आगे मूव करते हैं। पहली एग्जाम्पल लिखें, डॉलेंस परचेज्ड, अब बल्कि डॉलेंस तो बड़ी कंपनी है ना, आप लिखें राइस परचेज्ड एन एसी, आपकी मेरी कंपनी की वजह से, फजूल बोलते रहा करो, जबान को लगाम भी दिया करो कभी, राइस परचेज्ड एसी, बस काम ही बोलना जी, राइस परचेज्ड एसी, ठीक है जी, क्वालिफाइंग एसेट है,
नेक्स्ट ऐसे आप एग्जाम्पल हैं, तरतीब बना देना, वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखें डॉलेंस, डॉलेंस कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग इन टू ईयर्स। डॉलेंस कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग इन टू ईयर्स। मैं रोला ही मुकाता क्वालिफाइंग ऐसे। राइज परचेज्ड अ न्यू बिल्डिंग। चलो तुम कह रहे हो बड़ी कंपनी है, ठीक है आ जाओ फिर। राइज परचेज्ड अ बिल्डिंग, आ गया बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग तो क्वालिफाइंग एसेट है ना, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है अगर वो बनने में अच्छा खासा आता ले। ये तो जस्ट परचेज की, एकदम से बनी बनाई बिल्डिंग थी, जाकर उसको परचेज किया और फॉरन यूज करना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग। क्या कह रहा है यार, इन्होंने तो नहीं बनाया ना। लास्ट लास्ट लिख लें बस, फजूल में बच्चे ना ऐसे ही ज्यादा बात समझा दो ना, शोके हो जाते हैं। एग्जाम्पल लिखें एक और, होंडा परचेज अ न्यू प्लांट, होंडा परचेज अ न्यू प्लांट एंड इंस्टॉल्ड इट इन 5 मंथ्स। प्लांट भी क्वालिफाइंग हो सकता था, हालांकि परचेज किया लेकिन इंस्टॉल करने में 5 महीने लग गए, ठीक है। तो होंडा परचेज अ न्यू प्लांट एंड इंस्टॉल्ड इट इन 5 मंथ्स। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे कुछ उसूल हुआ करेंगे, ठीक है। कब हम देखे ना, अभी आपके सवाल शुरू हो भी गए थे कि जी कितने अरसे की के इंटरेस्ट को जो है वो हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो भाई कोई दो हदें तो होनी चाहिए, कब शुरू करना है और कब खत्म करना है, ठीक है। तो एक हुआ करेगी हमारी कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्या चीज जी? कमेंसमेंट, स्टार्ट करना, शुरू करना। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, जो आप पूछ रहे थे कितने ऐसे की बोरोइंग कॉस्ट, कितने ऐसे का इंटरेस्ट ऐड करें जी। तो भाई किसी एक दिन से स्टार्ट का उसूल रख लेंगे और किसी एक दिन पे एंड का उसूल रख लेंगे, उस दरमियान ऐसे का कैपिटलाइज कर देंगे। तो ये मैंने क्या लिखा, शुरू करना है बोरिंग कॉस्ट का एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है। और फिर किसी वक्त उसको रोकना भी होगा, सीजेशन ऑफ, स्टैंडर्ड के अल्फाज है ना, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, मतलब कि किस दिन इस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में। कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको बता दिया, कैपिटलाइजेशन मींस एडेड टू कॉस्ट। जब कोई कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में एड होती है तो हम कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कब शुरू करनी है और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कब खत्म करनी है, भाई ये तो बहुत आसान है, मुश्किल वाला पहले लिखते हैं। इसमें ना हम 3 डेट्स देखा करेंगे और उनमें से जो लेटर हो उससे स्टार्ट किया करेंगे। ये अभी फिलहाल सोचना नहीं है, ये क्या बात हुई, ये 2-3 दिन में जाके ये बात जरा पक्की हो जाएगी, फिर सोच में भी, फिर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे, ठीक है। आपने कमेंसमेंट करनी है लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड। आप जहन के अंदर लेकर आओ ना, विजुअलाइज करो कि एक बिल्डिंग आपने बनवानी है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग वो क्वालिफाइंग एसेट है तो आपने उसके लिए लोन भी लेना है, ठीक है। अब वो जो बिल्डिंग आपने बनानी है उसकी आपने काम को, उस पर काम भी शुरू होना है और उसकी बिल्डिंग की मद में जो काम हो रहा है उसकी कुछ पेमेंट भी करनी है। ऐसे थोड़े देखा सारी बिल्डिंग बनेगी तो आप पैसे दोगे, भाई ठेकेदार को साथ साथ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 ही डेट्स आपकी रेलिवेंट होंगी, ठीक है। पहली लोन रिसीव्ड, दूसरी वर्क स्टार्टेड और तीसरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, बहरहाल ये 3 डेट्स हैं। लोन रिसीव्ड किस दिन है, वर्क स्टार्ट किस दिन किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट किस दिन की। इन तीनों में से जो लेटर डेट होगी, मतलब बाद वाली इनमें से, इन तीन में से जो सबसे बाद में, ये क्यों बाद वाली लेते हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में समझ आ जाएगी। हाँ यार लॉजिकली भी यही बनता था, लेकिन फिलहाल तो आज हमने इसको याद करना है ना, पहला दिन है आज तो, ठीक है। और कल टेस्ट में भी इसने आ जाना है। तो लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड
और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, इनमें से जो लेटर डेट हो उस पर कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कर देनी है। और ये आसान है, वर्क कंप्लीटेड, जिस दिन काम खत्म हो गया उस दिन एसेट कॉस्ट में सब कुछ ही ऐड करना रोक देते थे, कॉस्ट ऐड करना रोक देते थे जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो गया। तो जिस दिन काम कंप्लीट हो गया उस दिन कैपिटलाइजेशन को भी रोक दो, ठीक है। ये उसूल है हमारा स्टार्ट का और स्टॉप करने का। उधर रखें, हमें उधर रखें, कमेंसमेंट किस दिन शुरू करें, किस दिन शुरू करें, शुरू करें मींस, शुरू करें मींस कमेंसमेंट था स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। किस दिन शुरू करें, क्या शुरू करें, इंटरेस्ट को एसडी कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है। और किस दिन रोक दें, किस दिन रोक दें, और ये जो रोक दें हैं स्टैंडर्ड में इसको क्या कहा, सीजेशन। क्या रोक दें, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, एसडी कॉस्ट में इंटरेस्ट का ऐड करना, क्लियर। तो बुक भी नहीं ना आपके पास फिलहाल, मेरी वजह से ही, मेरी वजह से ही मानता हूँ, दसर दो यार ये मिटा दें। अच्छा जी, आप आज के लेक्चर नोट्स जो आपके पास आएंगे ना, उनमें बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन वन मैं पहले करवाऊंगा और फिर टू करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि फोर भी हो जाए, वन कराऊंगा सॉरी, और फिर पहले टू करवाऊंगा फिर वन करवाऊंगा फिर फोर उम्मीद है हो जाएगा, ना हुआ तो कोई बात नहीं, आसान काम। ऑन नहीं अभी तक हो रहा, ऑन हो गया जी। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन टू है, मिस्टर ए ऑब्टेन लोन ऑफ 1,000,000 ऑन 1 जनवरी 12 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। लोन लिया ए ने 1 जनवरी 12 पे, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। गेम ऑन हो रही। ऑन 1 मार्च 12 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑन विच डेट ही ऑल्सो मेड, ये सारी चीजें सवाल में दी हुआ करेंगे, मैं लिख के आया हूं, ठीक है ना। लोन किस दिन रिसीव किया, 1 जनवरी 12 पे फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑन 1 मार्च 12 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क, ये क्या है जी, वर्क स्टार्टेड। तरतीब भी जरूरी नहीं है, जो लेटर हो बस वही हमने स्टार्ट की डेट लेनी, ठीक है ना। ऑन विच डेट ही ऑल्सो मेड फर्स्ट पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो यही डेट फर्स्ट पेमेंट की भी है, यही वर्क स्टार्टेड की भी है, पहली भी हो सकती थी, यही तीनों एक भी हो सकती थी, लड़ाई खत्म, ठीक है, ओके। अब इसकी लॉजिक पे फिलहाल ही सोचना, इंशाल्लाह लॉजिक्स पे चलेंगे, कल लॉजिक की बात करेंगे, परसों फिर मजीद लॉजिक की बात करेंगे, इंशाल्लाह लॉजिक से सारी क्लियर होंगी, लेकिन पहले दिन तो नहीं ना होती, पहले दिन सिर्फ ये याद करना है कि कमेंसमेंट किस दिन होगी, लेटर ऑफ इन 3 डेट्स में, ठीक है ना। तो पहले ये जरा याद हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह लॉजिक्स विल कम एंड गो। कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 12 भाई, ठीक है। अब कहानी कुछ इस तरह से है, ईयर एंड है, 1 जनवरी 12 को साल शुरू होता है और 31 दिसंबर 12 पे हमारा ये साल खत्म हो रहा है। भाई सबको ये नजर आ रहा है जहां पे लिख रहा हूं, किसी को रोशनी तो नहीं पड़ रही, पड़ रही है तो गुजारा करें, एडजस्टमेंट करें। कैमरामैन आमिर भाई, कैमरे में तो नहीं रोशनी पड़ रही ना, ओके थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है ना, मैं चाह रहा हूं उधर सवाल ही करें। अच्छा अब एक साल में भाई कितने महीने होते हैं आपके यहाँ, 12, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाह वाह। अच्छा अब ये देखो, इस दिन लोन ले रहा है भाई, ठीक है, अब इस लोन पे बैंक को तो इंटरेस्ट पूरा साल देना है, बैंक के इंटरेस्ट, बैंक ने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेना है। ये तो हमारी अकाउंटेंट्स की जरा लड़ाई है कि इसमें से देखो ना, 1 जनवरी 12 को इंटरेस्ट लोन लिया है और कोई किस्त पे करने की बात फिलहाल नहीं हो रही, मतलब ये जितना लोन लिया ये सारे का सारा पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा, इस पे 12-15% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, कितना बनता है जरा बताओ, 10 लाख का 15% 15 लाख होता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख का जो इंटरेस्ट है,
डेढ़ लाख का जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का है। लड़ाई ये है इसमें से कितने अरसे का प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बने और कितने अरसे का एसेट की कॉस्ट में ऐड करके कैपिटलाइज किया जाए, ठीक है। तो बाकी बैंक ने 12 महीने पूरे कर लेना है, बैंक ने नहीं पूछना अच्छा आपने एसेट कॉस्ट में ऐड किया, चलो रहने दो इतने अरसे का, या आपने एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं किया, चलो आपने तो एसेट के लिए लोन लिया था ना, चलो बाकी महीनों का इंटरेस्ट ना, तो ये नहीं है। या तो बैंक ने 12 महीने के लेना है, उसमें से हमने या तो एसेट कॉस्ट में कुछ ऐड करना है या फिर कुछ एक्सपेंस आउट करना है। अब हम अपने उसूल लगाते हैं पहले जाके, पता है मुझे आपको समझ आ गई, लेकिन कोई नहीं, खैर है, ठीक है जी। लोन रिसीव किस दिन हुआ? यकम जनवरी 12, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च 12, फर्स्ट पेमेंट यकम मार्च 12। अब लेटर कौन सी है इनमें? तो बस फिर ऊपर वाली डेट को भूल जाओ, ये यकम मार्च 12 जो है ये हमारी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की डेट है। अब बैंक को इंटरेस्ट यकम जनवरी से जाना है, मतलब यकम जनवरी से 31 जनवरी पे लोन वापस ही कर दो, बैंक को एक महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो बैंक का तो इंटरेस्ट बनना है पूरे 12 महीने का। जनवरी फरवरी का भी बैंक तो लेगा इंटरेस्ट, लेकिन वो एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर, ठीक है। फिर यकम मार्च से ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर देना है। और किस दिन रोका करते हैं जी? वर्क कंप्लीशन पे। जरा बताओ वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है? बोलो 31 अक्टूबर 12 पर। तो ये है जी हमारी सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन की डेट। तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा और बाकी का एक्सपेंस आउट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब बात समझ आई? इस दिन एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू करोगे यकम मार्च, ऐसे ही है ना? बोलो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां तक ये 8 महीनों का इंटरेस्ट, ये 8 महीनों का इंटरेस्ट जो है ये कैपिटलाइज होगा, एडेड टू कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? एडेड टू कॉस्ट ऑफ, क्या था ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, या यूं कह लें डेबिट बिल्डिंग, और क्या क्या कहूं मैं, ठीक सही है, समझ गए। और ये 2 महीनों का इंटरेस्ट और ये आखिरी 2 महीनों का इंटरेस्ट, बैंक ने तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेना था, ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं होना। और ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा? बात समझ गए हो आप, ठीक है। ये 3 फिगर्स हमने निकालनी थी, ठीक है जी। अब इधर देखो, ये यहीं पे कर रहा हूं मैं सवाल, ठीक है। अगला सवाल मेन सवाल वहां करेंगे, फिर चीजें मिटाऊंगा मैं कुछ, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट कितना है? इधर देखो, 1 मिलियन का लोन था, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे कहां इंटरेस्ट रेट लगता है? भाई सवाल में कहा उसने यकम जनवरी को लोन लिया है और कोई जिक्र नहीं है कि कोई रिपे भी हुआ है इस साल में, तो इसका मतलब पूरा 10 लाख का 10 लाख आउटस्टैंडिंग रहा। बोलो तो 15% लगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 150,000 तो है टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें से टू बी कैपिटलाइज्ड कितने महीने का कैपिटलाइज करना है, ठीक है? 8 महीने क्या कर देना हमने, तो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज इस 1.5 लाख को पकड़ लो, आपकी मर्जी है। ज्यादा बेहतर क्या है, क्योंकि हम ये फिगर नहीं निकाल रहे हुआ करेंगे ज्यादातर सवाल में, तो आदत ही वही डालें कि लोन की अमाउंट ही पकड़ लें, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। दो तरह से निकल सकता था वैसे तो, आप इस 1.5 लाख को 8/12 कर दें, ठीक है, या आप दोबारा से ये कैलकुलेशन करें 10 लाख, दोनों तरह से निकल सकता है, लेकिन मैं ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगले सवालों में हम इसी तरह से किया करेंगे। इंटरेस्ट जो एक्सपेंस बनने हम फिलहाल थोड़े 1-2 दिन उनको सोचेंगे भी नहीं, हम सिर्फ अपने एसिडी कॉस्ट में जो ऐड करना है उसको सोच रहे हूं, ठीक है ना। तो 8/12 अगर कर दें तो 100,000। और दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूं मैं, ये करने की बजाय जो 1.5 लाख पूरे साल का इंटरेस्ट आया इसको 8/12, और ये भी तो वही हुआ है, इससे क्या होता है, ये 10 लाख इंटू 15% जब करोगे तो आंसर क्या आता है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को ही मैंने 8/12 किया, टेंशन ना लें, बस मैंने कहा कि ये करके अलग से बस एक ही काम, एक ही फ्रैक्शन में, ठीक है। और बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट जी, 10 लाख इंटू 15% इंटू 4/12, 50,000, ठीक है जी, समझ गए बात। तो वही बात हो रही है, बात वही हो रही है, 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, 8 महीनों का एसेट कॉस्ट में ऐड करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, और इसकी 50 की एंट्री करेंगे, हाँ इसको 1.5 लाख को साइड कर, भूल जाओ, अलग अलग करके एंट्री करेंगे,
ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 से और बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 1,00,000 से, क्लियर। बैंक ने कैश लेके जाना ही जाना है पूरा 1,50,000, हमने कुछ इधर कुछ उधर, ठीक है जी। ये हो गया आपका बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, बुक आएगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल तब तक यहां पे मिल रहे हैं, बुक भी आ जाएगी इंशाल्लाह इसी वीक में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो गया भाई वो मसला, चलिए हम अगला सवाल, मेन सवाल करें, पहला सवाल करें आज जो असल टॉपिक है। तुम कल कर लेना, निकल जाओ क्लास से। चलो फिर खड़ा रहे, ये भी सवाल रिक्वायरमेंट में पढ़ के वापस आता हूं, मिलके काम करते हैं, ऐसे करता हूं। रिक्वायरमेंट है, अज्यूम ईयर एंड इज 31 नंबर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, यानी के यहां पे था, सही पहुंच गया तकरीबन, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट ये है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दो, मतलब एंड तक ही लेके जाना सवाल, जहां तक जा सका आज ले जाएंगे, ठीक है। मैं ये दरमियान वाला पोर्शन सिर्फ मिटा रहा हूं, जहां से मैंने बात शुरू की थी, मिटा दूं। यहां वो लिखा रहा है, बच्चे कह रहे थे एक मिनट रुक जाए, नोट ना करें, मैं नहीं ना मिटा रहा हूं, सवाल वहीं पर लिखा हुआ। और इधर देखो, ये हमारे साथ ही रहेगा एंड तक, यहां तक के याद हो जाए, फिर देखेंगे एंड पे जाके पर्चे पे डायरेक्ट भी करना है, नहीं फिलहाल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हर सवाल में इसको हम बार बार लिखा करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही रहना, यहां पे चार डेट्स लिखनी है और अल्लाह अल्लाह थे खैर सल्लाह जी, वर्किंग है ये, वर्किंग सबसे पहली वर्किंग यही किया करेंगे, ओके। पहले शुरू सवाल, मिस्टर एक्स बोरोड अ लोन, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, रेफर करते रहना ताकि जब बुक आए तो आप इजीली। पहला मैंने कौन सा कराया, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन ना, वैसे तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर पास्ट पेपर्स, फिर क्वेश्चन बैंक होता है राइस की बुक में, फिर एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन ये बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी पहले छोटे बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, तो ये उनमें से करवा रहा हूं। तो हमने पहले 2 कर लिया, अब 1 कर रहे हैं। मिस्टर एक्स बोरोड अ लोन ऑफ 600,000 ऑन 1 जनवरी 2016 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है तो क्वालिफाइंग है, बिल्डिंग का वेरा शब भर में मस्जिद बनती है कभी कभी, ठीक है, वरना तो बिल्डिंग अच्छा खासा ऐसा लेती है भाई बनने में, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अब इस पेबल का मतलब मेरे दोस्त किधर का, मेरा दोस्त इसका मतलब क्या है, हर ईयर एंड पे कहेंगे बस पेबल है जाओ बैंक भाग जाओ, नहीं, ये स्टार्ट में हम डिसाइड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चे का, ये आपको आगे जाके मसला होना था शुरू में ही बस बिली मार गई, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट पेबल का मतलब इसमें सवाल में लिखे होने का मतलब क्या होता है कि ये पहले बैठ के तय कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल होगा फला फला दिन, इंस्टॉलमेंट पेबल होगी फला फला दिन, ठीक है। अभी तो लोन लेकर किस्तें भी पे करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं आज के सवाल में, आज तो बस अब 10 इलीगल मिनट रह गए बस। अच्छा सुनो, 600,000 का लोन लिया, 1 जनवरी 2016 पे लिया, 12% रेट था, इंटरेस्ट पेबल है ईच ईयर के आखिर पे ऑन 1 जनवरी 2016 उसी दिन, देखो ना ये डेट्स निकल रही है हमारी, ये क्या जी, लोन रिसीव ऑन 1 जनवरी 2016 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क, दूसरी डेट आ गई वर्क स्टार्टेड, फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट पेमेंट भी आ रही, फिर सेकेंड भी आई, फिर थर्ड भी आई, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2016, वर्क कंप्लीटेड आ गया, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 5 years, द बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पज ऑफ IAS 23, बड़ी मेहरबानी जिसने बता दिया। शुरू करते हैं जी, ये तो आज मसला ही कोई नहीं, लोन रिसीव 1 जनवरी 2016, वर्क स्टार्टेड 1 जनवरी 2016, फिर पर्चे में बेशक आप शॉर्टकट लगाएंगे, फिलहाल नहीं लगाएंगे, ये तीनों डेट्स लिखेंगे, हर एक के आगे डेट लिखेंगे, हर सवाल में ये वर्किंग 1 आपकी होगी जी। तो ये तो तीनों एक ही डेट मान गई, लेटर भी यही है, स्टार्ट भी यही है, पहली भी यही, आखिरी भी यही है, और वर्क कंप्लीटेड 30 सितंबर 2016, तो 30th September 2016, तो कितने मंथ्स बन गए, यानी कि वो जो बैंक से पहले ही दिन लोन लिया है उस लोन का कितना इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड करोगे, 9 महीने का और बाकी एक्सपेंस ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब हमारी एक वर्किंग हुआ करेगी, ठीक है, वो वर्किंग 1 में उसको कह रहा हूं, ठीक है ना, जिसको तो वर्किंग भी नहीं कह रहा, अलग रफ पेज पर बना लिया करना, ठीक है ना। अच्छा, वर्किंग 1 क्या हुआ करेगी जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, अब जाहिर है ये पूरी तो हो नहीं गई, इसको फिलहाल खाली खुली लिख लो,
इसमें सबसे पहले हम लिखा करेंगे जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह अगर कोई हो तो यहां पे लिख लिया करेंगे। कल बताया था ना बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी होते हैं, कमिटमेंट फी को पेगी। तो बहरहाल ये फिलहाल सवाल में नहीं है लेकिन मैंने फॉर्मेट में डाल दिया इसको, ठीक है। फिर दूसरी चीज हुआ करेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अभी को और किस्म के लोन्स भी होते हैं, यस होते हैं, लेकिन वो कल शायद आ जाए, नहीं तो परसों आ जाएंगे। नहीं 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 क्लास में, टेस्ट में तो बस हल्का फुल्का ही होगा, इतना की पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट इतने महीनों का एसिडी कॉस्ट में ऐड होता है, इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस। लेकिन फिर भी आप कल की क्लास के बाद ही टेस्ट लीजिएगा, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है जी। एनीथिंग कैन हैपन यू नो, ओके मेरा दिल कर पड़ेगा थोड़ा सा और मुश्किल कर लिया, चलो ठीक है। तो बहरहाल आप क्लास कल की पढ़ लें। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक, भाई ये स्पेसिफिक लोन ही होता है, क्या लिखा तो हुआ है, लोन लिया किस लिए, बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो लोन उसने बिल्डिंग के लिए ही लिया, टेंशन नॉट, ओके। अच्छा इसमें कुछ काम करेंगे हम, बहरहाल फिलहाल तो ये छोटी सी बात ही है, इसके नीचे एक और चीज आया करेगी, लेकिन माने जब आएगी तब देखेंगे, एक तीसरी चीज आएगी यहां पर, ठीक है, तो उसकी जगह भी फिलहाल खाली छोड़ें, ठीक है ना। लिख देता हूं, चलो यार दिल कर रहा है मेरा, इंटरेस्ट जरा कल मेरे लिए आसानी हो जाएगी ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन। अब कुछ जनरल लोन्स भी होते हैं जो पहले से पड़े होते हैं, उनमें से पैसा अगर बिजनेस में इसमें बिल्डिंग में इस्तेमाल हो तो उसके इंटरेस्ट का क्या करना है, कैसे करना है, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ इतनी सी चीज पढ़ाई है, इधर देखो फिलहाल सिर्फ ये पोर्शन हमने पढ़ा, स्टार्टेड ये देखो फॉर कंस्ट्रक्शन, लोन ऑब्टेन फॉर कंस्ट्रक्शन, लोन ऑब्टेन फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही है ना। तो स्पेसिफिक भी सिखाया, अभी स्पेसिफिक है, जनरल अभी सिखाया नहीं, कल सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, कितना लोन है, कितना लोन है, बोलो 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 बोलो, 600, 6 लाख का, 6 लाख का लोन है और इंटरेस्ट रेट 12%। अब ये तो आएगा पूरे साल का इंटरेस्ट, हमने बैंक को तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, लेकिन वर्किंग हेडिंग पढ़ो, कैपिटलाइज कितना करना है, 9 महीनों का, केड़े केड़े 9 महीने, ये ऐसे लिखा करूंगा मैं शुरू शुरू में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई चला पूरा आ, जून जुलाई अगस्त सितंबर थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है जी, ये 9 महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इनटू 9/12 जी 54,000। आज तो सिर्फ यही है बस, कल कुछ फालतू पैसे जो है ना कल की क्लास में जो लोन इस्तेमाल कर लिया, बिजनेस कर लिया, अब ऐसा ऐसा पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है तो फिर क्या करते हैं जो लोन लेने वाले बंदे होते हैं, कहते हैं चलो यार वेला पैसा इन्वेस्ट करके कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लेते हैं, तो वो यहां से माइनस भी करेंगे, चला ये यहां पे आएगा, बहरहाल आज तो यही है जी। अब बाकी का क्या करें, बाकी इन 3 महीनों का इंटरेस्ट जाएगा एक्सपेंस में। फिलहाल तो मुझे बताओ मेरे इस लोन से, इस एसेट से रिलेट होने वाला इंटरेस्ट कितना निकला है, ये बोरिंग कॉस्ट है जिसे मैं करूंगा कैपिटलाइज, कैसे कैपिटलाइज होती है जी एसेट कॉस्ट में। तो अब अगला काम हम क्या करेंगे, वर्किंग टू बिलाल, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट क्या कहा है, सिर्फ बैलेंस शीट बना दो, इनकम स्टेटमेंट बना दो, तो उसमें डायरेक्ट चीजें जानी है ना, तो यहां वर्किंग। अगली चीज मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में सिर्फ 54,000 आएगा, सिर्फ 54, इट्टा दे मुफ्त लबियां हैं, मजदूरों ने वैसे ही फीस भी काम किया, ओवरहेड तो लगे नहीं, और भाई बिल्डिंग 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 पर कंस्ट्रक्शन कराई और ये पेमेंट्स की ठेकेदार को, ये जो पैसे दिए हैं असल तो बिल्डिंग की, ये कॉस्ट थी, पुरानी बात ना भूल जाना, हमें ये 3 और 3, 6 लाख में ये बिल्डिंग बनवाई और 54,000 इंटरेस्ट को भी ऐड करना है, तो बिल्डिंग 6,54,000 में पड़ गई, जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन और वो ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं है ना, ठीक है, वो जिस तरह का कॉन्सेप्ट था, क्या था हमारी पहली एग्जांपल क्या थी, 100 का था प्लान और उसमें 15 ऐड होकर 115 पे चला गया, यहां पे बिल्डिंग कितने की है, 6 लाख की, 6 लाख में 54,000 ऐड होकर कितने पड़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में जो पहली चीज आया करेगी, ये फॉर्मेट्स की तैयारी करा रहा हूं आपको पक्की, ठीक है ना, वो हुआ करेगी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, क्या चीज जी, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, अब उसके बाद कोई मैप फी या कंसल्टेंट फी, ठीक है, कोई परमिट फी, ये सारे जरूरी खर्चे थे, लेकिन ये वो खर्चे थे जो IAS 16 ने कहे थे ऐड कर लिया करना, याद आ रहा है, बिल्डिंग है ना, अब इसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं डाल सकता भाई, इंस्टॉलेशन तो नहीं डाल सकता, वो जो थोड़ी देर पहले आपकी एग्जांपल है ना उससे मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन, उसको ऐसे करके कर दो IAS 16 ने कहा था उसको ऐड करना है, ठीक है ना, तो यहां पे वो
ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं ना, बिल्डिंग की ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग को ट्रांसपोर्ट करके लाए जी, हम बनी बनाई बिल्डिंग हम उठा के लाए, यूके से मंगवाई है बिल्डिंग हमने, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे जरूरी खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, वो मैं अपना बनाओ, बना नहीं देंगे। कंसल्टेंट इंजीनियर बना रहा है, ठीक है, परमिट फी, परमिट लोगे तो कंस्ट्रक्शन करोगे, जरूरी खर्चे थे। लेकिन एक नई चीज आई और वो है बोरोइंग कॉस्ट, टू बी कैपिटलाइज नहीं, अब ये हो गई कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाली थी यहां, अब यहां पे आके कर दोगे इसको कैपिटल, ठीक है। और ये किसने बताया आपको कि एसिड कॉस्ट में ऐड होगा, ये IAS 23, ये हमारा नया मेहमान आज जो है, ठीक है, पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी है मैंने इस टॉपिक की, ठीक है। अब बस इसमें क्या करना है, कल को इन्वेस्टमेंट इनकम वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे और होपफुली एंड पे हो गया टाइम हुआ तो जनरल लोन, नहीं तो परसों जनरल लोन आ जाएगा और बस कहानी खत्म है। फिर इसकी 2-3 दिन मजीद प्रैक्टिस करके जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, पास पेपर वगैरह हर चीज उससे आगे टेस्ट में, पास पेपर से आगे टेस्ट में सब कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल तो मुझे बताओ कि कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी है जो आप भूला करोगे, ये नहीं जी कितनी, मैंने अलग अलग बताओ, 100,000 + 200,000 + 300,000 = 600,000, 6 लाख, ठीक है। कोई परमिट भी सवाल में होती तो यहां ऐड करते, बोरिंग कॉस्ट नहीं है वो अलग निकाली हमने, ठीक है। ये आगे 16 ने कहा परमिट फी कोई नहीं है, होती तो ऐड कर देते। हमें एसेट कितने में पड़ गया, 6,54,000। लाइफ गिवन है, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 5 years, मतलब अब ये डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है, ठीक है जी, हमारा साल कौन सा है 2016, भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाना था, हाँ 6,12% 9/12 एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया बैंक ने, तो ये भी लेना था 18,000। फिर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह हो गई, यस ऑफ कोर्स, 6,54,000 की बिल्डिंग तैयार, 5 साल किया पूरे साल की डेप्रिसिएशन, लेकिन 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 30 सितंबर को तैयार हुई है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आई, 32,000, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गए। बैलेंस शीट की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में, किसमें जी, नॉन करंट एसेट्स में एक बिल्डिंग आएगी, वो बिल्डिंग आएगी 6,54,000 पे, लेकिन इस साल की डेप्रिसिएशन उससे होगी माइनस, तो इसकी बुक वैल्यू आएगी 621,300। ये बात समझ आ रही है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मतलब एसेट क्रेडिट, कोई सही है, कुछ भूल तो नहीं रहे, ओह माय गॉड, देयर इज अ लोन नॉन करंट लायबिलिटी में, लोन फ्रॉम बैंक, लेकिन सवाल में उसने कोई नहीं बताया कितना पे होना है कितना नहीं, किस्तों में। आखिर क्या कह रहे हैं, द एंटायर लोन इज रीपेबल, वो 2020 मतलब सारे का सारा ही क्या है, ऐसे सुकून से लिखो लोन, नहीं सिर्फ लोन क्यों लिखो, लिखो लॉन्ग टर्म लोन, सारे का सारा ही लॉन्ग, समझ तो गए होगे, ये हमारा टॉपिक है जी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो एम ऑब्टेन जी ऑब्टेन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स वर ऐसे प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर, सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड 6%, ये फिलहाल आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा ट्राई तो कर सकते हैं, हर तो कोई नहीं, अगले दोनों सवाल मैंने फिलहाल नहीं करवाए और होमवर्क के अंदर, चले जी मैं देख लेता हूं कौन से सवाल छोड़ने हैं कौन से नहीं छोड़ने, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारा हो गया इसका, बस आपने अब एक मेहरबानी ये करनी है, क्या क्या आपने बाहर आज टेस्ट जो है, हालांकि आप टेस्ट के लिए तैयार हैं लेकिन आपने टेस्ट जो है वो कल की क्लास के बाद देना है, और ऑनलाइन वाले कल अपलोड होगा तो परसों दे लें, परसों जो इनको ये लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना, तो वो जुमेरात बुध को ये लोग टेस्ट दे लें क्लास के बाद, और आप लोग जुमेरात को क्लास पढ़ के टेस्ट दें, वैसे तैयार हैं आप लोग टेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा होता है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।